She's got no clue. I've been alone, wasting away in my room, and you're afterglow. She's laughing like you used to. Guess I still got jokes. Might take her home, and it's strange, cause I think that I like getting over you. We used to race the freeways. I close my eyes sometimes. I used to watch the sunset. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. सो फाइनली हम घर वापस आ चुके हैं अराउंड 2.5 महीने की छुट्टियां मना के. हम लोग गए थे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया. ये मेरा पहली बार था कि मैं साउथ इंडिया गई. मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि साउथ वाली साइड में देखूँ कैसा है वहाँ का कल्चर, खाना, लोग, लोकेशन, सब कुछ बहुत मज़ेदार लगा. और मैंने हर चीज़ का व्लॉग भी शूट किया है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है अगर आप देखना चाहते हैं तो. पर उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी व्लॉग्स को. एंड हम दुबई भी गए थे. दुबई भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. घर में आके बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है. पर मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मैस है. हो सकता है कि आपको मैस ना लगे, क्योंकि जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ मेरे घर को काफ़ी ज़्यादा क्लीन करके जाती हूँ. पर ऐसा हुआ था कि वेट की हमारे पास बहुत प्रॉब्लम थी, और जब मैंने पैक कर लिया और मैं वेट कर रही थी तो मैं चीज़ों को इधर उधर 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 एडजस्ट करती जा रही थी घर को क्लीन रखने के चक्कर में. सो हिम्मत की चीज़ें मेरी क्लॉजेट में हैं, मेरी चीज़ें हिम्मत की क्लॉजेट में हैं, हस्बैंड की चीज़ें इधर उधर हैं. सो वो सारा कुछ हमें आज ऑर्गेनाइज़ करना है. सो बेसिकली आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनपैक जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, एंड जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको जगह जगह पर रखा जाएगा ताकि क्लीन. और घर में बहुत ज़्यादा डस्ट है, डस्ट का बहुत ज़्यादा चक्कर है, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह एलर्जिक हूँ डस्ट से. तो हमें डस्ट जो एक्युमुलेट हुई है ये समय में उसको क्लीन करना है, घर को ऑर्गेनाइज़ करना है. जितना हम कर सकते हैं उतना रीसेट करेंगे हमारी ज़िंदगी को ताकि मैं नॉर्मल फील कर पाऊँ. एंड मेरे प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी एंड ग्रीन है, थैंक्स टू माई ब्यूटिफुल नेबर. उन्होंने मेरे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा. एंड मैंने उनको बताया था कि किसको कब पानी डालना है, तो वो फिर उस शेड्यूल के हिसाब से वो पानी देती रही. एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई. मुझे बहुत डर लग रहा था कि जब मैं घर में आऊँगी मरे हुए मुरझाए हुए प्लांट्स मिलेंगे, बट वो सारे बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड खुश थे. वेरी हैप्पी एंड ग्लैड. सो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. वाई? जब घर में क्लटर एंड डिसऑर्गेनाइज होता है घर, तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं, फीलिंग आ जाती है स्ट्रेस की, एंगजाइटी की. और जब चीज़ें टिकाने पे होंगी, ऑर्गेनाइज होगा, क्लीन होगा, तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो आप टास्क करना चाहते हैं कामली एंड पीसफुली.
सो जब घर क्लीन हो, घर या फिर आपका वर्क प्लेस क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो, तो एक कामनेस एंड फोकस की पावर थोड़ी बढ़ जाती है, ताकि जो भी आपका काम है उसे आप पीसफुली कर पाएं। सो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करके देखें कि जब आपके घर में गंद होगा आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका ध्यान उन उन चीज़ों पर जाता रहता है, पर जब सारा कुछ क्लटर फ्री होता है, वही चीज़ें होती हैं जिसको आप जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव, पीसफुल एंड स्ट्रेस फ्री हों। तो मेरे घर की हालत आपने ऑलरेडी देख ली है, शायद देखने में ज़्यादा अजीब नहीं लग रही है, बट येस दिस इज़ वट वी हैव। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। सो मैंने सोचा कि बेड बनाने से शुरू करते हैं, क्योंकि जब बेड बन जाता है ना तो आपकी अद्धी ज़िंदगी सफल हो जाती है। आपको लगता है कि आपने अद्धे इंपॉर्टेंट काम कर लिए हैं, सो पहले बेड बनाएंगे। सो बेड बनाने के बाद मैं उसके साइड टेबल्स को भी क्लीन कर दूँगी, थोड़ी डस्ट भी क्लीन कर दूँगी, एंड देन हम अदर प्लेसेस पर डस्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा विजिबली दिख रही है वहाँ से हम क्लीन करेंगे। सो क्विकली रन करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। बाहर का मौसम देख लें आप, बर्फ है, ठंड है। सो वेलकम बैक टू कैलगरी, वेलकम टू कैनेडा। सो कुछ इस तरह का है, एंड घर आके ये वाली चीज़ें मैं लेके आई हूँ, मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। हस्बैंड ना बार बार नेबर के साथ गप्पे लड़ाने के लिए लग गए थे, और मुझे कह रहे कि मैं तुम्हारी ग्रॉसरी अंदर रखने के लिए हेल्प कर देता हूँ, पर आए नहीं, फिर मैं राख लिया सामान। ऐसा क्या बहू, अंदर रख लो, शूज ठहर जाने। ओके सो मैं ना लेके आई हूँ वॉलमार्ट से ये तपाल्टी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका रंग देखे कितना खूबसूरत है, राइट। ऐसे कोई भी इंडियन चाय नहीं मुझे दिखे जिसका रंग इतना खूबसूरत हो, और इतना ये पानी में आते ही इतना ज़्यादा फ्लेवर देती है, जैसे पता नहीं काड़ काड़ के पत्ती ने फ्लेवर देती है ना, वैसा ये देती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये सुकून की 2 मिनट की चाय पियेंगे। I'm stuck on this rural street,
And my smile won't come, but my hair still curls. And I guess that's how they recognize me. I'm not actually here anymore. I've forgotten what I came here for. You with the bright eyes, I envy you. एंड हिम्मत के आने का भी समय होने वाला है, सो जल्दी से क्लोज़ेट को टैकल करना शुरू करते हैं. बहुत ज़्यादा कपड़े हैं ये फ्लोर पे भी. हाँ, लेट्स क्लीन इट. बेटर दैट्स व्हाट आई हैव कम टू. देयर्स नो वन अराउंड फॉर माइल्स. दे लेफ्ट मी हियर इन द डस्ट. दे आर एक्चुअली ऑल राइट नेक्स्ट टू मी. बट सारे कपड़ों को मुझे ना हैंगर्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि जाते समय जो भी मेरे बैग्स में एक्स्ट्रा था उन सबको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक्स्ट्रा वेट हो मेरे पास. सो कम से कम चीज़ें लेके गए थे हम, और अब मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए. कहाँ से शुरू करूँ, आई डोंट नो. डिज़ास्टर हस्बैंड की साइड है, वैसे मेरी साइड पर भी है. एंड मोमेंट में मैं चीज़ें ऐसे फेंक दी थी. अपनी तरफ से मैं क्लीन करके जाना चाहती थी सारा कुछ, कि घर पीछे से भी क्लीन लगे. सो मैंने कुछ भी कहीं पर भी एडजस्ट कर दिया था. सो आई हैव टू गो थ्रू मोस्ट प्रॉब्ली. यह जगह बनाते हैं जहाँ पे बने बने, नहीं तो मैं ना स्प्रिंग में डीक्लटर करूँगी. आज मैं ये काम नहीं करती, अदरवाइज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा. बन्ने किधर स्पेल ना करी. ओके ये जो मैंने फ्रेश लॉन्ड्री की है वो मैंने फोल्ड किए थे, अब इनको भी टिकाने टिकाने रख देते.
अब बारी आती है हिम्मत के रूम की। हिम्मत के रूम के लिए ऐसा है कि मैं उसकी हमेशा हेल्प लेती हूँ, बेशक उधर टास्क मुझे कोई हेल्प ना भी करे तब भी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने रूम को क्लीन करने के लिए। एंड आज मैंने उसको एक ये टास्क दे दिया कि हैंगर्स में सारे कपड़े को उसको एडजस्ट करना है। फिर उसकी दोस्त आ गई, मैंने कहा कि इसके साथ बाद में खेलना, उसे भी यही बिठा लो, पर अपना टास्क पूरा कर ले जाओ। Himmat, yes? What are you doing? Playing with him. Excuse me? You forgot? Come. I ask her to come here and sit until you finish. सो फाइनली हिम्मत का रूम भी हो चुका है, कपड़े ऑर्गेनाइज हो गए ना, तो अद्धा काम डन लग रहा है, रूम काफ़ी क्लीन लग रहा है अब। सो कल हमारे गार्बेज बिन जाने हैं, तो सारे घर के बिन मैं खाली कर लूँगी जल्दी से। बारी आती है वॉशरूम को क्लीन करने की। वॉशरूम क्लीन करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ही डीप मज़ेदार क्लीन करूँगी। सिंक क्लीन करेंगे, मिरर को क्लीन करेंगे हम, एंड काउंटर्स को क्लीन करेंगे। एंड मेरी कोशिश है कि जो भी चीज़ें एक्सपायर हैं या यूज्ड हैं उनको भी सुट्टा जाए, कल बिन जाएंगे तो ये सारा कुछ चला जाए। वैसे भी गाइस, घर में ना एक्सपायर चीज़ें रखनी अच्छी नहीं है। होर्डिंग करना स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। अगर आपके काम कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको दे दें जो उसको यूज़ कर सकता है। अगर वो किसी के यूज़ आने वाली नहीं है तो उसको बिन में फेंक दें, घर में मत रखें क्लटर, वो अच्छा नहीं है। बाथ टब को भी थोड़ा क्लीन कर दूंगी। बाथ टब वैसे क्लीन ही है पर थोड़ा डस्ट लगी है ना, तो सो उसको पानी के साथ हम वॉश आउट कर देंगे एंड मैं साइड्स को क्लीनर के साथ वाइप कर दूंगी। सो वॉशरूम के फ्लोर्स को भी क्लीन कर लेंगे। वैसे तो क्लीन ही थे पर ये साइड्स पे ना डस्ट एंड बाल एकुमुलेट हो जाते हैं कहीं कहीं से आके, शायद मेरे बाल होंगे पर हम इग्नोर करेंगे उसको, हम क्लीन कर देते हैं वैक्यूम के साथ। और क्लोज़ेट के फ्लोर को भी क्लीन कर देते हैं, फ्लोर अब दिखना शुरू हो गया, कपड़े ऑर्गेनाइज हो गए ना, बेटर लग रहा है। Thank you.
no friend. He no friend to me. Okay, let's go talk to him. सो ये है हिम्मत का रूम वॉशरूम, इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसको मैं यूज़ करती हूँ मेरे स्किन केयर के लिए एंड एवरीथिंग के लिए. सो सबसे पहले हम वो स्किन केयर जो मैंने ऑलरेडी यूज़ करके रखी है एंड एक्सपायर है उसको हम बिन में सुटेंगे. हम इसको वही चीज़ें रखेंगे जो हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों को मैं ड्रॉर्स में रख दूँगी. इसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा क्योंकि इतने काफ़ी ज़्यादा गंद को चोला है एंड जो चीज़ें हम ट्रैवल टाइम में साथ में लेके गए थे, टॉयलेटरीज और मेकअप एंड ब्लाबला, वो सारा कुछ भी यहीं पे है. उसे भी कमरे कमरे में पहुंचाया जाएगा. हर एक चीज़ को उसके घर में पहुंचाने में इतना समय लग जाता है ना, पर जब वो पहुंच जाती है ना फिर मज़ा आ जाता. सो ये काम करेंगे एंड ये जो मैं काउंटर पर डिकॉर रखती हूँ उससे भी डस्ट निकालेंगे. और ये जो प्लांट है इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ ताकि सारी डस्ट चली जाए. अब स्नैक टाइम आ गया है और मैं खाने वाली हूँ ये बहुत ही मज़ेदार मैंगो पीच सालसा जो हमने कॉस्को से लिया था. मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का फेवरेट सालसा. इतना मज़ेदार टैंगी फ्लेवर है ना इस सालसे का. अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से करें. और इसके साथ स्पेशली ये कॉर्न वाले चिप्स आते हैं कि ये ज़्यादा क्रिस्पी एंड ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं. सो किचन को क्लीन करने की बारी आती है. सबसे पहले हम डिशेस को रख देते हैं. जो क्लीन है उसको अवे रख देंगे, जो नहीं क्लीन है उसको डिश वॉशर में रख देंगे. सो काफ़ी क्लीन लगने लग जाती है किचन. ओके गाइस, सो दिस इज़ अ रीसेट गोइंग ऑन राइट नाउ एंड मैंने और हस्बैंड ने एक डील की थी कि मैं आई एम गोना क्लीन एंड रीसेट एंड ऑर्गेनाइज माई हाउस एंड ही गोना प्रिपेयर अ मील फॉर अस. बट इस मछली बन के बैठे बहू, अगर तो डपोज दिखे ना तो ये मछली बन के बैठे थे इस टाइम. ओके दोस्तों, तो हस्बैंड मछली बन के बैठे. मैंने एंड सैलड बनाऊंगी मैं कल. कल नहीं, दो तीन दिन लग जाएंगे. मैं ना मूंग दाल की ये स्प्राउट करने वाली हूँ तो इसको भिगो के रख देते हैं आज रात एंड फिर हम कल इसका सैलड बनाएंगे. और जो मैं ख़रीद के लाई थी ग्रॉसरी उसको हम जार में रीफिल कर देते हैं. Thank you.
सो जो भी मेडिसिंस हैं ये किचन काउंटर पे, कुछ मैं अपने साथ लेके गई थी, कोई हमने रास्ते में ख़रीदी, सो उनको मुझे किचन में रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसको ज़्यादातर मैं शू क्लॉज़ेट में रखती हूँ, तो इसको ले जाएंगे यहाँ से, शू क्लॉज़ेट में रख देंगे एंड काउंटर्स को अच्छी तरह वाइप कर देंगे, क्लीन कर देंगे, जो भी मैंने नहीं किया है वो सारा मज़ेदार साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये कल के लिए कुछ नट्स भी भिगो दिए हैं, मुझे वॉलनट्स खाने अच्छा लगते हैं भिगो के, एंड हस्बैंड उसको ऐड करेंगे उनके ओट्स में ब्रेकफास्ट के लिए। करेले, करेले मैं लेके आई थी आज, मैंने बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं एंड बहुत ही सुंदर है, देखे कितने ग्रीन एंड इन्हें सॉफ्ट है ना, वो देख लेंगे आप जब मैं इसको कट करूँगी। आज मैं इसको कट करके नमक लगा के रख दूँगी ताकि कल हम लंच में जब खाएं, लंच में मैं पका लूँगी ना, तो फिर आसान हो जाता है काम। सो बहुत ही ज़्यादा सुशील गृहिणी हूँ ना, तो मैं सारे ऐसे टास्क कर लेती हूँ जिससे मुझे अगला वाला दिन आसान लगे एंड कुछ कुछ काम हो जाए मेरे, तो फिर अगला दिन आप प्लान हो जाता है ना, अदरवाइज नहीं तो पागल घूमते रहेंगे क्या करें क्या करें क्या करें। अगर आप पहली रात प्लान कर लें कि कल क्या खाएंगे क्या बनाएंगे या फिर कौन कौन से टास्क कंप्लीट करेंगे, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। Its mark, but now I'm finally crawling out of the dark. I'm crawling out of the dark. एक लास्ट बार वाइप करेंगे हमारे काउंटरटॉप्स को, देखें कितना शानदार शाइनी हो गया। अब सारे घर का जो जो मैंने क्लीन किया है उसका बिफोर एंड आफ्टर देख लें, बिफोर एंड आफ्टर देखे काफ़ी सुकून मिलता है ना। आई विश कि इतना चुटकी के साथ आफ्टर आ जाए, आपको कुछ करना ही ना पड़े, कितना मज़ा आएगा ना। ओके सो अब क्विक स्किन केयर का समय आ गया है। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था ना सुबह, 5 मिनट वाला 10 मिनट वाला, सो उसको क्लीन कर लेते हैं ना। मैं सोने के लिए जाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं कम काम करूँ, लाइक बंड बंड के करूँ, पर फिर मैं जब लग जाती हूँ फिर मैं रुकती नहीं हूँ। अब मैं सोऊंगी आराम से एंड कल फिर तैयार हो जाएंगे सारा कुछ दोबारा करने के लिए। हम कितना काम करते हैं ये। सो सलूट है मुझे एंड हर एक मेरे जैसी गृहिणी को आउट देयर
जो कितना काम करती हैं और कोई अप्रिशिएट नहीं करता. मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको. अब बहुत मज़ेदार हुआ एंड आई लव यू गाइस सो वेरी मच. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्रिप्शन बटन वहाँ पे है लाल रंग का, उस पर क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं. सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो में जल्दी ही. अगर आप मुझसे कोई खास किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बार में छोड़ दें, मैं उस पर ज़रूर ही काम करूँगी. एंड यस आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय.